वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान रखिए आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी रिविजन पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे पेपर में टाइम बहुत ही कम बचा है उसी सीरीज में इंग्लिश मीडियम का साइंस का पापा वीडियो होगा पार्ट थ्री लास्ट पार्ट होगा बायोलॉजी का सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करने का फायदा यह रहता है कि स्पेसिफिक पार्ट बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है जैसे बायोलॉजी तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते बायो के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे फैक्ट सारे वन लाइनर्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कंपाइलेशन है ये अकेला वीडियो इस वीडियो से बाहर आपका सवाल नहीं आएगा और वो आपको जरूर सही करके आना है जो सारे बच्चे सही करके आएंगे तो उसी सीरीज में ये वीडियो होगा बाकी जो लोग भी पीडीएफ चाहते हैं या कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसमें सर सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं आर ओ आरओ एपीएस यूपीपीसी एस ट्वेंटी ट्वेंटी हर कुछ के लिए हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उतना मटीरियल जितना सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है आप लोग डेफिनेटली रेफर करके अपना सिलेक्शन एंश्योर करा सकते हैं फिलहाल के लिए 2023 के लिए पापा हमारे बायोलॉजी uh, देखो राइबोजोम क्या है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है क्रोमोजोम जेनेटिक और सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है लाइजोजोमल बैग है हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्टोर है क्वेश्चन सेल वॉल ये स्टिमुलेट करती है सेल को प्रोटेक्शन देती है सपोर्ट देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सब्सटेंसेस हैं एक सेल से अनदर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको कंट्रोल करती है सेंट्रोसोम असिस्ट इन सेल डिवीजन क्लोरोप्लास्ट एक्टिव साइट है स्टार्च सिंथेसिस की मतलब फोटोसिंथेसिस की भी एक्टिव साइट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है इंट्रासेलुलर विद इन द सेल ल्यूकोप्लास्ट अक्यूमुलेशन ऑफ फूड में असिस्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट आप जानते हैं एक्टिव साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन का एनर्जी प्रोडक्शन हाउस है क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर्स टू फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स गोल की ऑपरेटर्स हेल्प एंड सिक्रीशन अक्यूमुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेज न्यूक्लियस मेटाबॉलिक फंक्शन कंट्रोल करता है सेल डिविजन में हेल्प करता है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है अब उनके कुछ कॉमन नाम दिए हुए हैं सेल ऑर्गेनलीज के लाइसोसोम को क्या कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्रोमोसोम को जेनेटिक कैरियर uh, कहते हैं इसको क्लोरोप्लास्ट को सेल का फोटोसिंथेसिस सेंटर सेल इनसाइड द सेल न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है आप जानते हैं राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस कह लीजिए पावर हाउस कह लीजिए सेल का तो यहीं से आ जाएगा एक छोटा सा क्वेश्चन तो है ना नॉर्मोन एंजाइम्स और उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सवाल आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते हैं ग्रोथ हॉर्मोन जो है ये आ, सिक्रीट करता है लाइपेस लाइपेस क्या करता है लाइपेस सिक्रीट होता है स्टमक से विच डाइजेस्ट फैट इंसुलिन ग्लूकोज मेटामोलिज्म में हेल्प करता है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन में हेल्प करता है एड्रीनल कॉटोसॉल रिलीज होता है एड्रीनल सेटोसॉल में आया आएगा सोडियम क्लोरेट हर्बिसाइड है मेल हॉर्मोन क्या है टेस्टोस्टेरोन है मैच द फॉलोइंग में आ जाता है ना जैसे एस्पार्टम स्पार्टम क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर है ऑर्गेनिज्म विद वाइट ब्लड कॉकरोच है एड्रलिन यह एड्रीनल ग्लैंड देता है जो, जो कहते हैं ना एड्रीन रश चाहिए झूले पे भी जब हम झूले पे झूलते हैं रोलर कोस्टर वगैरह पे तो भी यही से क्रिएट होता है फियर एंगर डेंजर पैनक्रिया इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं लैंगर हेंस के बीटा सेल्स में एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, है फेरोमोन्स ये अट्रैक्ट करता है दूसरे सेक्स के पार्टनर को सेंस ऑफ स्मेल से न्यूप्रीन क्या है स्पेशलाइज्ड रबर है बट बेसिकली इट्स टाइप ऑफ प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर्स कैसे बनते हैं वैट द प्रोसेस ऑफ पॉलिमराइजेशन हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा तो सोचो साइंस से क्वेश्चन ही नहीं आया विटामिनके सोर्सेस और उनसे होने वाली डेफिशिय डिजीजेस मतलब उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस ऐसे समझना विटामिन ए एक तो आप इनका केमिकल नेम जरूर याद रखेंगे ये पूछता ही पूछता है विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल आजकल हर नाइट क्रीम में मिलेगा आपको ये तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा जेरोथेलमिया हो जाएगा कैरेटनाइजेशन हो जाएगा स्किन इन्फेक्शन सोर्सेज देखते हैं आप कैरेट मिल्क चीज बटर एग विटामिन बी वन थाइमीन कहते हैं बेरी बेरी और ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है विटामिन बी टू राइबोफ्लेवन है आ चुका एक बार डर्मेटोसिस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स विटामिन बी सिक्स क्या है Pyridoxin है एनीमिया हो जाता है स्किन प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन बी सेवन बायोटिन है स्किन डिजीज हेयरफॉल बी नाइन फॉलिक एसिड है एनीमिया ग्रोथ रिटार्डेशन बी ट्वेल्व को माइन है वेरी इंपॉर्टेंट एक विटामिन कोबाल्ट के साथ है कहते हैं वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा कम मिलता है ये तो इसलिए आपको ज्यादा दूध पीना चाहिए स्प्राउट्स खाने चाहिए उनमें बहुत है ये प्रेशियस एनीमिया और ये नर्वस सिस्टम की जितनी भी बीमारियां हैं ना वो सब विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होती हैं विटामिन बी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं स्कर्वी विटामिन डी कैल्सिफेरॉल है रिकर्स ऑस्टोमालशिया विटामिन ई स्टोकोफेरॉल स्टेरिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड मसल्स विटामिन के नेपथक्विन और फाइलोक्विनोन ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है ठीक है चलिए कुछ वायरल डिजीजे हैं वो पूछ लेगा इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है ठीक है जैसे हार्पी है डेमेटास हो जाता है इन्फ्लूल डिजीज है, 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 है ना पोलियोलिटिस नर्वस और मस्कुलर डिजीज हो जाती है ट्रैकोमा आई डिट करता है कंजेक्टवाइटिस आई को इफेक्ट करती है इंसेक्ट्स और उनसे होने वाली डिजीजेस ए फीमेल अनोफिल क्या करती है मलेरिया फीमेल एडिस एजिप्टी येलो फीवर डोमेस्टिक फ्लाई कॉलेरा पेडिकोरा टाइफाइड टैब्लाई सोरा डिजीज फीमेल क्लेवेरा फिर फिलारियसिस

उसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसुलिन की डेफिशिएंसी से जेरोथेलमिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी बी स्कर्वी सी रिकेट्स डी ऑस्टोमेलशिया डी हेमरिज विटामिन के की डेफिशिएंसी से रहता है जेरोथेलमिया ड्राइनेस होती है आई में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइक्टो नाइक्टालोपिया कॉमन नाइट ब्लाइंडनेस है ड्यू टू विटामिन ए तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं मान के चलिए आप ठीक है तो इन पर थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा अब कुछ डिजीज और किस बैक्टीरिया से वो हो रहे हैं तो मतलब ये सारी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं याद रखिए प्लीज कॉलेरा होता है विब्रियो से डिप्थीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्टी से गुनोरिया सेक्शुअल डिजीज है निसेरिया गुनोरियो से सिफिलीस ट्रेपनोमा कफ पर्टोसिस बोलते हैं जिसको या आपका हेमाफिलिस पर्टोसिस और बॉडेटेला पर्टोसिस प्लेग बिबोनिक प्लेग पेस्टोरला पेस्टिस और यर्सिनिया पेस्टिस लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे Tuberculosis, tuberculosis, बहुत आता है इस पे सवाल। ियम ट्रॉसिसम होगा होगा। हो चुका। निमूनिया डिप्लोकसूनियडी पूछता है टाइफ पूछता है ट्यूबर पूछता है ठीक है ठेके? डिजीजेस और उनकी प्रिवेंटिव वैक्सीन दी हुई जैसे टेटनस के लिए डीपीटी लगती है डीपीटी डेपथीरिया के लिए लगती है डीपीटी वूफिंग कफ के लिए लगती है बीसीजी लगती है ट्यूबर के लिए पोलियो वैक्सीन पोलियो के लिए टाइफॉइड कुछ एंडोक्राइन डिजीजेस दी हुई है ह्यूम में देखिए टेटनी हो जाता है जब स्मॉल अमाउंट होता है पैराथॉर्मोन सिक्रीशन का मिक्सीडेमा होता है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन वायरलिज्म होता है ज्यादा एड्रेनलिन की वजह से ग्रेव डिजीज थायरोक्सिन की वजह से डायबिटीज मेलेटस होता है जब इंसुलिन कम सिक्रीट होता है जायंटिज्म होता है मोर सिक्रीशन ऑफ एसटीएच हॉर्मोन देन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एडिसन डिजीज होता है ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ कॉटन हॉर्मोन ग्वेटर थेक्सन की डोफिशेंसी से डोर्फिजम जीएच ग्रोथ हॉर्मोन कम सिक्रीट होता है ज्यादा हो जाए तो एग्रोमेगली एकदम से बहुत ही एबनॉर्मली लंबा हो जाता है इंसान डायबिटीज इंसिपिडस होता है वेस्टोप्रेसिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से एक्सोथैलमिक क्वार्टर होता है थायरोक्सिन लेवल के हाई सिक्रीशन से कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस प्लांट्स में सुनिए पटेटो में विल्ट होता है डिजीज पहले तो इससे तीन सवाल तैयार हो रहे हैं एक तो बैक्टीरिया दो हो रहे हैं मतलब मान लो विल्ट डिजीज बोले किसमें होता है पटेटो सूडोमोनास सोलानसेरियम क्राउन कॉल डिजीज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस ब्लैक रोट कैबेज में जैंथोमस कैंपेस्ट्रिस कैंकर सिट्रस का फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं कुछ प्लांट्स में ब्लैक होता है वीट में प्युनिया ग्रामिन से लूसमट होता है वीट में न्यूडा श्रिक्टी से डरना नहीं है इन वर्ड्स को देख के अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो जाता है ऑल्टरनेरिया सोलैनी से लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो फाइटोथोरा इन्फेस्ट से वॉट डिजीज वॉट सिंकाइटर एंडोबायक्टम टिक्का डिजीज होता है आपका मूंगफली में करकोस्पोरा पर्सनोटा से रेड रॉट आदि तो बहुत कॉमन डिजीज है कलेक्ट्राइकम फैलेक्टम इंपॉर्टेंट है याद रख लो ब्राउन लीव स्पॉट ऑफ राइस हेलमेथरियम और जय से विल्ट ऑफ अरहर अरहर की दाल में विल्ट लग जाता है फिसेरियम यूडम से येलो वेन भी होता है एक डिजीज मोजैक डिजीज ओकरा का होता है भिंडी का वाइट फ्लाई जो है बेमीसिया टेबैसी इसकी वजह से ये होता है वायरस वायरस होता है फंजाइस से नहीं होता कुछ प्लांट डिजीजेस दी हुई हैं कुछ की एलिमेंट्स की कमी की वजह से होती हैं वो प्लांट्स में वो क्या है किन असेंशियल एलिमेंट्स की कमी से होती है वो आपको देखना जैसे पैडी में खैरा होता है जिंक की कमी से वाइट बर्ड डिजीज होती है मेज में जिंक की कमी से लिटिल लीफ होती है जिंक की कमी से बोरॉन की कमी से ब्राउनिंग डिजीज होती है कॉलीफ्लार में बीटॉट बीटॉट रॉट लगता है इनर कॉर्क लगता है एप्पल में कॉपर की वजह से लगता है लेमेंस डायबैक डिजीज बहुत पूछता है मॉलिबिडनम की वजह से वेप्टेल डिजीज होता है कैबेज में ये दोनों बहुत पूछता है लास्ट के दो और पैडी का खेरा तीन सबसे इंपॉर्टेंट है सेल ऑर्गैनली और उनके डिस्कवरर गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर करी जॉर्ज गोल्गी नाम से पता लग जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा बेंडास्पोम पर्नर क्रोमैटिन फ्लेमिंग न्यूक्लोलिसंटाना और राइबोसोम पेलार्ड एंडोप्लाज्मिक रेडिकुल पॉटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हार्टविग न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन क्लोरोप्लास्ट शिमपर क्रोमोजोम हॉफ मिशर लाइजोजोम क्रिस्टियन डी डुबे प्रोटोप्लाज्म बावरी प्लांट विथ सम्स जैसे लॉन्गेस्ट रूट का प्लांट कौन सा है एडानसोनिया लॉन्गेस्ट रूट प्लांट हाँ दो बार हो गया ओल्डेस्ट प्लांट प्यूरूमेंडी लार्जेस्ट ऑर्किड कौन सा है ग्रामोटोफाइलम स्पीशियोसम स्मॉलेस्ट प्लांट फॉर कौन सा है वोल्फिया लार्जेस्ट ऑर्किड फ्लॉर कौन सा है फ्रामेडियम कैडेटम लार्जेस्ट सीड लुडोशिया बिगेस्ट लीफ विक्टोरिया एमेजोनिका

Smallest chromosome, algae. Plant with the minimum number of chromosomes, haplopapus gracilis. Largest angiosperm plant, eucalyptus. Rootless angiosperms, cuscata, balanophora, um, articularia, aldronovanda, or tineophallum wolfia. Smallest angiosperm plant, wolfia. Hardest wood, hardvichia binata. Tallest gymnosperm plant, hyperion sequa. सेम्पर वरस स्लाइटेस्ट वुड ऑक्रो, ऑक्रोलोपस बालसा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, जामिया, पिजमिया शूटलेस प्लांट है राइजोफोरा ठीक है चलिए। कुछ बायोलॉजिस्ट दिए हुए हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे अब हम जोना सोल्क वैक्सीन डिस्कवर किया था मतलब पहली वैक्सीन थी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलियो जेम्स सिम्सन फर्स्ट यूजर ऑफ क्लोरोफोम एज एन एनेस्थेटिक कार्ल लैंडस्टीनर एबीओ ब्लड ग्रुप्स डिटेक्ट किए थे फैक्टर डिटेक्ट किया था एंटीजन की डिस्कवरी की थी सेबिन ओरल वैक्सीन बनाई थी पोलियो की ए आई ओपारे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाई केमिकल एनालिसिस एंड्रियस बेसिलस ये फादर ऑफ मॉडर्न एनोटोम जाने जाते हैं टैटम वन एनजाइम वन केमिकल रिएक्शन थ्योरी दी थी बेटसन जेनेटिक्स टर्म इन्होंने दी थी बैंटिंग एंड बेस्ट आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन हॉर्मोन फ्रॉम पैनक्रियाज क्रिश्चियन बर्नार्ड बहुत बार सवाल आता है फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन चार्ल्स डावन रेंटरिंग ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट द क्रिएशन ऑफ अ बुक कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीड दायोजेटिक लॉ एरबोर्ग बैक्टीरियल नॉमिनक्चर फॉर्मर एंड मूर इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड मियोसिस फ्रांसिस गोल्टन फादर ऑफ यूजेनिक्स फंक इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड विटामिन ग्रेगर जॉन मेंटल डिस्कवर द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस टी एच हक्सले प्रोटोप्लाज्म सेट टू बी द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ह्यूगोड थ्योरी ऑफ न्यूटेशन दिया था हॉपकिनस फंक विटामिन फंक पूछेगा ना फंक लिखा होता जनरली विटामिन में तो फंक लगा क्या ना आपको हरगोविंद खुराना इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक कोड जेई पुरजी नॉमिन कलेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म जोहैनसन कॉन द वर्ड जीन जीन बैप्टीस्ट लेमार्क लेमार्किज्मी टर्म का रेंडरिंग दिया था ऑन द बेिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर ट्रेड जोसफ प्रीसले फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लांट्स Francois Jacob and uh, Jacques Monod, Operon theory, concept of gene regulation proposed by them. Louis Pasteur postulated pathology, discovery of rabies vaccine, theory of fermentation, known as father of microbiology. Ernest Ruska and Max Knoll created the first electron microscope. Robert Hooke, discovery of cell, introduction of the word cell, written a book called Micrographia, pushlega, father of cytology. Robert Jarvik introduced artificial heart. Robert Edward, in vitro fertilization. Robert Koch, discovery of cholera and tuberculosis. Robert Weinberg, discovery of oncogens. Shielden and Schoven, renting of cell theory. Selman, Wachsman, discovery of streptomycin or antibiotic term. T. H. Huxley, biogenetic law. William Harvey, discovery of blood circulation. W. Waldier, the, the introduction of the term chromosome. W. Fleming, introduction of the term mitosis.

जो एनिमल्स में मिलते हैं देख लीजिए बार्थोलियन ग्लैंड ये वेस्टिबुलर ग्लैंड हैं glands, uh, है, दो पी पीसाइज कंपाउंड एलिविलर ग्लैंड होते हैं जो पॉस्टीरियर और राइट और लेफ्ट पे होते हैं इन ओपनिंग ऑफ विजा दिक्रीट म्यूकस टू लुब्रिकेट द विजा एंड आर होमोलोगस टू बल्बोथ्रिलियर ग्लैंड इन मेल्स तो बार्थोलियन और बल्बोरिथ्रिल द सेम आई मीन वन इन मेल्स एंड वन इन फीमेल्स पेरीनियल ग्लैंड ओडर ग्लैंड है रैबिट के फेलिक ग्लैंड मेल जेनेटल हैं कॉक्रोचेस के कोलेक्टेरियल ग्लैंड इन थर्ड एंड फोर्थ एबडोम सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉक्रोच कूपर्स ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड हैं मेल जेनेटल्स ऑफ मैम्स और दीज आर ऑल्सो सेम प्रेट ऑल्सो यूट्रिकुलर ग्लैंड प्रेजेंट इन कॉक्रोचेस एंड फीमेल जेनेटल्स ऑफ पेस्ट म्यूकस ग्लैंड ये आपका वाटर बैलेंस ऑफर करते हैं आपको प्रोटेक्शन देते हैं बैक्टीरिया से

देन वी है मैमरी ग्लैंड मिल्क होते हैं लैक्रमल ये आंख में होते हैं टेयर ग्लैंड सेरोमिनस ग्लैंड आपके सुडोरिफोरस uh, ही होते हैं स्वेट ग्लैंड होते हैं टाइप ऑफ एल्बमिनस आपके डिस्कलरेशन ऑफ एल्बिन टॉक्सिक सबस्टेंस है जो एलिमेंट्री के नाल में मिलता है फैट ग्लैंड ये मैम्स में प्रेजेंट होते हैं सीम सिक्रीट करते हैं, sebaceous glands हैं basically. फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ बोटनी दिया हुआ है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर यूजेनिक्स के फादर हैं फ्रांसिस गैल्टन दिस विल बी फ्रांसिस आई एस नो प्रॉब्लम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कॉश अब भाई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में तो हम स्पेलिंग मिस्टेक्स अलाउड है फादर ऑफ माइक्रोबाजी लुइस पास बस वो भरते भरते वक्त वक्त मत करना गोले घर, भरते वक्त गलती फादर ऑफ प्लांट पेथोलॉजी एजी बटलर फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मैंडल देन ग्रैंड फादर ऑफ फाइटोलॉजी स्टेफेन हेल्स फादर ऑफ रूल ऑफ रिटीग्रेशन ऑफ कास्ट एंडिटी ऑनस्ट हेक्ले ग्रॉसरी दी हुई है इंपॉर्टेंट होता है वैसे तो सही कर ही लोगे इसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है एपीकल्चर क्या है आपका मधुमक्खी वाला बस ऐसे याद किया करो चिड़िया वाला एक्वाकल्चर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वाला एल्गा कल्चर एलगा जस एल्गी जिसमें कल्टिवेट होता है पेसीकल्चर मछली वाला एग्रीकल्चर क्रॉप प्रमोशन एनिमल हस्बेंड्री सेरीकल्चर रॉ सिल्क का प्रोडक्शन सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट कल्टिवेशन कल्चर, ब्रीडिंग ऑफ स्पॉन्ज कल्चर, फ्लावर्स का स्टडी कल्चर, वेजिटेबल कल्टिवेशन कल्चर, स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स कल्चर, कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स वेजिटेबल्स एंड स्पाइसिस पोमोलॉजी फ्रूट फार्मिंग है देन एग्रॉनोमी इज क्रॉप कल्टिवेशन वर्मी कल्चर इज अर्थवॉर्म पालना है ना ऑस्ट्रीकल्चर इज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इन ऑस्टर्स फॉर ट्रेड पर्पज इज कल्चर इज ऑलिव प्रोडक्शन कंजर्वेशन एंड ट्रेड कल्चर इज ब्रीडिंग ऑफ स्नेल्स कल्चर इज ग्रेप प्रोडक्शन कल्चर इज ब्रीडिंग ऑफ मरीन ऑर्गैनिज्म मॉरिकल्चर इज मलबरी कल्टिवेशन कल्चर इज खट्टे फल जो होते हैं उनका कल्टीवेशन हाइड्रोपोनिक्स एरोज प्लांट्स को उगाना विदाउट सॉइल वेजीकल्चर इज वेजिटेबल प्लांट्स मेनली जो रूट क्रॉप होती है उनका कल्टिवेशन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दिया हुआ यहाँ पे लार्जेस्ट मैमिल क्या है ब्लूवेल लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल टर्टल लार्जेस्ट इडेस्ट्रियल एनिमल एफ्रिकन एलिफेंट लार्जेस्ट नोन फॉसल ऑफ अ फॉसल डिप्लोडोकस मोस्ट इंटेलिजेंट प्राइमेट ऑड है स्नेक ड्रैगन मोस्ट प्रिमेटिव एग लेइंग मैमल एक्डीना लार्जेस्ट मंकी गैमल डकबिल्ड ब्लैटपस वाइजेस्ट मंकी चम्पैनजी एग यूट्रस एनिमल कैंगरू स्मॉलेस्ट मंकी गिबन

स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड हॉलेस्ट मैमिल जेराफ है लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरोन वो डायग्राम नहीं बनाते थे क्लास टेंथ में बोर्ड में भी बना के आए होंगे सब लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस है प्रिमेटिव हेलमिंथ प्लेनेरिया लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर प्रिमेटिव एनेलिट पॉलीगोडियस लार्जेस्ट बोन इज फीमर थाई बोन था बोनस टेपीज कान में होती है लार्जेस्ट मसल इज ग्लूटियल मैक्सिमस बिजिएस्ट पार्ट है आपका दिल लार्जेस्ट लिविंग इज रेड मार्सोपिलू मार्सोपिल होते हैं जो बच्चे को पाउच में रखते हैं बेसिकली मोस्ट प्राइमल आर्थोपोड इज पेरीपेटरिस अभी और कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन इंपॉर्टेंट है ये भी ब्रेन का वेट देखो चौदह सौ ग्राम है बिजिएस्ट ऑर्गन इज हार्ट नंबर ऑफ क्रेनियल लर्व इज इलेवन पे थिनेस्ट स्किन इज कंजिवा नंबर ऑफ स्पाइनल लर्व इज थर्टी वन पेयर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी फाइव टू सिक्स लीटर्स नॉर्मल हार्ट रेट सिक्सटी टू हंड्रेड नॉर्मल ब्लड प्रेसर वन ट्वेंटी पर एट्टी नॉर्मल पल्स रेट मिनट Number of red blood cells, 5 to 5 point, 5 million per cubic millimetre. Number of total muscles in the body, 639. Number of RBCs, 4.5 to 5. Percentage of water in the entire weight of human body, 65%. Life expectancy of RBCs, 120 days. Longest, heaviest and strongest bone, thigh bone, hotiye, femur. Normal count of WBCs, 5,000 to 10,000 per cubic millimetre. Smallest bone is tapies. डिफरेंशियल लीकोसाइट काउंट क्या है दो से चार पांच दिन लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर हैल ऑटा न्यूट्रोफाइल्स फोर्टी टू सेवेंटी परसेंट लार्जेस्ट वेन इन्फीरियर वेना लिम्फोसाइट्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिंगल नर्व शैटिक नर्व ब्लड प्लेटलेट्स काउंट है ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ठीक है ना दो लाख से लाख लॉन्गेस्ट मसल आपकी ग्लूटस uh, मैक्सिमस है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन देख लो मेल फीमेल का और लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स आपके मोनोसाइट्स हैं लार्जेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी लिवर सेल्स की होती है यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप होता है लीज रीजनरेशन कैपेसिटी ब्रेन सेल्स की है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी ग्रुप है ब्रीदिंग रेट सिक्सटीन टू ट्वेंटी पर मिनट है और थोड़ा लंबा करना चाहिए उसको प्राणायाम कर करके नॉर्बल बॉडी टेम्परेचर नाइनटी एट है डेंटल फॉर्मिला दिया हुआ है नॉट इम्पोर्टेंट छोड़ सकते हैं हम यहाँ पे दिये मैं कुछ लार्जेस्ट और यंगेस्ट एनिमल्स देख लीजिए लार्जेस्ट एक्सटेंट एनिमल्स जो है वो ब्लू uh, वेल है यंगेस्ट इज अमीबा लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल इज एलिफेंट बिगेस्ट फिश इज वेल शार्क स्मॉलेस्ट मैमल इज मोल लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट इज सेंट स्मॉलेस्ट फिश इज गोबी फिश लार्जेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच स्मॉलेस्ट इज हमिंग बर्ड एंड कैंग का बच्चा जो होता है इट इज कॉल्ड जोई जन्म के तुरंत बाद ना वो पाउच में क्रॉल कर, जा, कर जाता है वहां पर उसका फिर पूरा डेवलपमेंट हो जाता है सी हॉर्स और स्पीसीज दिए हुए हैं सी एनिमोन्स नाइडेरिया से है सी हेर मलस्का है क्यूकम लिली और अर्चिन एक्नोडोम है सीमाउस एनिलीडा है सी पैन सी फैन नाइडेरिया है एनिमोन्स सी कामल है ये इम्पोर्टेंट है ये पूछ लेगा आपसे कौन सा है ठीक है जी Scientists और उनके इन्वेंशन दिए हुए कुछ अब इंसुलिन फ्रेडरिक बेंटिंग चार्ल्स बेस्ट ब्लड ग्रुप और बहुत आता है क्वेश्चन एल एस डी फादर ऑफ एर लेस्ली ऑर्गल जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना वेरी फेमस क्वेश्चन डी एन ए वेरी फेमस वॉटसन एंड क्रिक पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सबीन हाइड्रोफोबिया का मेडिकल ट्रीटमेंट लुइस पासचर Contraceptive pills, Pincus, medical treatment of homeopathy, Hanneman, cardiac surgical transplant, Christian Bernard, polio vaccine, Jonas Salk, first test tube baby, Step 2 Edwards, cholera's vectors, Robert Koch, tuberculosis, same, genes of cancer, Robert Weinberg, penicillin, A. Fleming, malaria vectors, Charles Leverin, DDT, Paul Muller, diphtheria vectors, Klebsen, Bazernik, RH vector, Landsteiner, aspirin, Dresser, BCG, Albert Calmite, and Guarine. इन्हीं के नाम पे है ये वायरोलॉजी एवानोस्की एंड बिजारनिक बेरेबरी क्रिस्टन एजैकमेन विटामिन एफ जे हॉपकिस मलेरिया पैरासाइट रोनाल्ड रॉस एंटीजन लैंडस्टीनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कार्ल लैंडस्टीनर ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्टन लिलेहल रेबीज वैक्सीन लुइस पास्टर वायरस एवानोवस्की सल्फर ड्रग्स जेरहार्ड डॉमेग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी विलहम ईथोवन हार्मोन ईएस ईएच स्टारलिंग विटामिन बी वन रॉबर्ट विलियम्स विटामिन ए पॉल कैरर ने डिस्क्राइब किया था केमिकल स्ट्रक्चर और फिर हैरी होम्स और रॉबर्ट रूथ कॉबर्ट ने आइसोलेट किया था 1937 में पूछेगा नहीं कोई ईयर वगैरह पर देख ल कुछ इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स दिए हुए हैं नेशनल सेंटर फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली नेशनल सेल साइंस सेंटर पुणे महाराष्ट्र डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में नेशनल प्लांट जीनोम रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली नेशनल ब्रेन रिसर्च इज इन मानसर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइफ साइंसेज इम्फाल मणिपुर नेशनल बायोलॉजी सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा बीरल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी लखनऊ नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस न्यू डेली फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कैम्बेटूर तमिलनाडु इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ नेशनल ब्लाइंड इंस्टीट्यूट देहरादून नेशनल ऑथोपैटिक डिसेबिलिटीज इंस्टीट्यूट कोलकाता अली यवरजंग नेशनल डेफ इंस्टीट्यूट मुंबई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी सिकंदराबाद हैदराबाद तेलंगाना में नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू डेली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर इंडियन वेटनरी साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली यूपी और सेंट्रल डग रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत आते हैं लास्ट के दो लखनऊ मेजर मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं बहुत फेमस वाले या फिर जो पूछे गए हैं शायद उसको आप जानते हैं हार्ट रेट और पल्स रेट मेजर करता है पेस मेकर नॉर्मल स्टेट लाता है जब हार्ट का रेट हाई होता है या लो होता है तो उसको नॉर्मल स्टेट पे लाने के लिए स्टिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने के लिए सिटी स्कैन

हुई है आपकी सब डिस पैथोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ नेचर सिम्टम्स एंड फैक्टर्स ऑफ डिजीज पैरास्टोलॉजी पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मेरेमेकोलॉजी एंटोमोलॉजी है ये जो एंट्स की स्टडी करती है मेलेकोलॉजी स्टडी ऑफ मलस्का स्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश सपेन्टोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स Herpetology, study of amphibians, amphibians and reptiles, ornithology, study of birds, dermatology, study of skin and its diseases, trophology, study of nutrition and nutritional methods, Tetology, study of acquired symptoms, zoology, detailed study of different types of living and dead animals, though noing, dead be. Botany, study of different types of plants and their activities, paleobiology, offer paleo paleontology, um, study of fauna of organisms, paleobotany study of fossil fuels ecology study of the effect of environment around the living organisms genetics study of genetic traits of animals and their inheritance physiology study of functions and working methods of different parts of the body pedology study of soil soil formation soil type etc gerontology study of aspects of aging and time effects in humans ethology study of behavior of all animals including humans bionics study of principles to build modern equipment and engineering systems using the properties principles of the biological world bionomics study of the relationship of organisms with their environment myology study of human muscles mammalogy study of mammals bionomy study related to the rules of life biometry biology study by the techniques and mathematics and statistics phrenology uh, brain ka study anthology flowers ka agrostrology grasses ka.

स्टडी ऑफ मॉरल कंडक्ट एंड ड्यूटी अब कुछ फ्रूट्स और उनके एडिबल पार्ट्स दिए हैं मतलब आप फ्रूट्स का कौन सा पार्ट खाते हैं बहुत आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये तो देख लेंगे एक बार बनाना देखो मेसोकार्प और एंडोकार्प जो बनाना का पार्ट खाते हो दैट इज कॉल्ड दिस वीट और मेज का स्टार्ची एंडोस्प्रॉम कैशोनट काटिलिडेंस फ्लैशी थैलमस लीची का फ्लैशी एरल ग्राम और पी का कॉटिलिडंस एम्ब्रियोज ग्राउंडनट का काटेलिडेंस एम्ब्रियोज मलबेरी का जूसी पेरियां जैक फ्रूट कटहल ब्रैक्ट्स पेरियां और सीड्स भी खाते हैं पाइनएपल का ब्रैक्स और रिसेप्टिकल्स ऑरेंज का जूसी हेयर एप्पल का फ्रेशी फ्लैशी थैलमस पेयर का सेम मैंगो का मेसोकार्प गुआवा का पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा ग्रेप्स का पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा पपाया मेसोकार्प कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म टोमेटो का एपिकार्प एंड प्लेसेंटा क्यूकाम्बर का मेसोकार्प एंडोकार्प डेट पाम का फ्लैशी पेरिकार्प फिग का फ्लैशी थैलेमस पाइनएपल का ब्रैक्स एंड रिसेप्टिकल्स पॉमिक्रेट का जूसी सीडी कोट स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ठीक है फ्लैशी थेमस टमेटो का पेरी का प्लेसेंटा मस्टर्ड का सीड सरसों के दाने खाते हैं ना मतलब दाने से ही ऑयल निकलता है एंड ऑल स्टेम किस किस की खाते हैं आप शुगर के अनियन पटेटो की रूट कैरेट बीट रूट रेडिश स्वीट पटेटोस और शकरकंदी लीव्स मस्टर्ड स्पिनिजग्रिक फ्लावर आप कैबेज और कॉलीफ्लावर का अब कौन सी चीज किस चीज को कलर देती है जैसे फेरस ऑक्साइड है ये कौन सा कलर देता है ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन होता है गोल्ड क्लोराइड या फिर पर्पल ऑफ कैसी बोलते हैं जिसको रूबी रेड कैडमियम सल्फेड ये लेमन लाइक येलो होता है क्यूप्रिक सॉल्ट पीकॉक ब्लू होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड रेड होता है क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड ग्लिटरी रेड होता है कार्बन ब्राउनिश ब्लैक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन एंड ग्रीन येलो कोबाल्ट ऑक्साइड डीप ब्लू सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर एंड सलीनियम ऑक्साइड ऑरेंज रेड आ जाता है ना ग्लास को कौन सा कलर सब पर्टिकुलर से आपने अलग, अलग अलग कलर के ग्लास देखे होंगे तो ये सारे कुछ ना कुछ केमिकल से होते हैं दाए दाए मतलब दो जहां पे मिलते हैं ठीक है अब फैमिली देखो क्रूसी इससे पूछ लेता है रेडिश टर्न मस्टर्ड कॉलीफ्लावर होते हैं इस फैमिली के हैं मेलवेसी कॉटन जरूर आता है तो याद रखना मेलवेसी का है कॉटन ओखरा शूबैक चाइना रोज लेजुमूस इंपॉर्टेंट वाले देख लो इसमें चिकपी पी टैमरिंड बबूल, अशोक ये देख लो बस इंडिगो कंपोजिटे सनफ्ल लेटसनिया मेरीगोल्ड रूटासिया कीलाइम ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज क्यूकर विटेसी वाटरमेलन मस्कमेलन पॉइंटेड गार्ड सोलान पटेटो एग, प्लांट चिली पेपर टोबेको बेलोडोना जिमसनवीड रोजासीए एपल पेयर रोज पेरूवियन ग्राउंड चेरी माइटासिप्टिस जैम्बोलन जावाप्लम है अम्बेले फेरी ओरेंडर क्यूमन क्लोव फेनल वाइल्ड कैरेट और रन क्यूलेस बटअ कप ब्लैक इंपॉर्टेंट एक तो ये है आपका और जो ऊपर कराए हैं ये वाले हैं वायरल प्लांट डिजीजेस और उनका पैथोजेनिक वायरस दिया हुआ है आप देख लीजिए इसको देखो मोजिया जो टबेको डिजीज है टबेको का इसमें टबेको मोजिया वायरस की वजह से हो रहा है मोजैक डिजीज पटेटो का पोटेटो वायरस एक्स बंची टॉप बनाना का बनाना वायरस वन मोजिया डिजीज कॉलीफ्लावर का कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस और कैरेट रेड रीफ लीफ डिजीज कैरेट रेड लीफ वायरस अब यहां पे कुछ दिए हुए जैसे मार्श डिजीज होता है पीज में वो मैंगनीज की डिफिशियंसी से होता है लिटिल लीफ मैंगो का जिंक की वजह से होता है खैरा डिजीज ऑफ पैडियम कर चुके हैं जिंक हार्ट हार्टरोटिन बीटरूट होता है बोरॉन की कमी की वजह से विपटेल क्वालिफाइड ये वाला टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले में जो छूटे हुए हैं ना वो भी इसमें कवर्ड है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फिर अमीबिक इंटरनल नेक्रोसिस होता है बोरॉन की कमी की वजह से ब्लैक हार्ट होता है पोटेटोज में ओ टू ऑक्सीजन की कमी हो जाती है स्टोरेज के वक्त ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन डायबैक हो जाता है लेमन में कॉपर की कमी की वजह से लिटिल लीफ ऑफ लेमन कॉपर की कमी की वजह से तो ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है अब कुछ फीचर्स नेम क्या है किसी फ्रूट के ये दिया हुआ है क्वीन ऑफ फ्रूट कौन है क्वीन ऑफ फ्रूट लीची King of fruits is mango. Queen of flowers is gladiolus. Queen of spices, lychee, cardamom. King of temperate fruits is apple. Queen of all beverages, chai. Fruit of poor people, palm. King of dry fruits, almonds. Green gold, opium. King of forest, teak. Tree of heaven, coconut. God food is cocoa. Century tree is date. India's golden fiber is jute. World famous fiber is cotton. White gold is cotton. Then coarse grain is sorghum, millet. Vegetable meat is mushroom.

किसकी वजह से होता है टैनिन की वजह से पंजेंसी होती है रेडिश में जो चिरपिराहट होती है रेडिश की मूली की आइसोसाइनट की वजह से बिटरनेस इन आमंड एमाइलेडीन की वजह से गाली की स्मेल होती है एलाइजीन की वजह से येलो कलर पपाया का होता है कैरी कैरी कैक्सथन की वजह से स्मेल इन पेपर इज ड्यू टू तो ओलियोरेजिन पंजेंसी इन चिलीज ड्यू टू तो कैप्सियसन और कैप्सी रेड कलर इन टमेटो लाइसोपिन बिटरनेस इन क्यूकम्बर इज ड्यू टू अनियन, लाल प्याज भी तो होते हैं टर्मरिक येलो uh, uh, है, memo, है, होती है करक्यूमिन की वजह से ग्रीन कलर हो जाता है ना कई बार पोटेटो में सोलानन की वजह से ऑरेंज कलर जो गर्मियों की कैरेट होती है कैरोटिन की वजह से येलो कलर अनियन का क्यूरसेटन की वजह से रेड कलर चिली का कैपसाइथिन की वजह से पैक्यूलर टेस्ट ऑफ टर्निप शलजम कैल्शियम ऑक्साइलेट की वजह से फिर आपका रेड कलर कैरेट का एंथोसाइनिन तो एंथोसाइन कैरोटीन याद रखना रेड कलर ऑफ कैरेट हो गया बिटरनेस इन इन पेपर इज देन पंजेंसी रेडिश हम कर चुके हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नाम दिए हुए हैं तो देख लो एक बार मैन का क्या है होमोसेपियंस डॉग का कैनिस कैनिसमिलिय राइस का ओरिजा सेटिवा मस्टर्ड का ब्रासिका कैम्पस्टिर मैंगो तो बहुत फेमस है मैग्निफेर एंडिका ग्राम का साइसर आरिक्टनम ट का फेलिस डोमेस्टिका हाउस वाइफ का मस्का डोमेस्टिका पी का पाइसम ये डिफरेंस दिए हुए फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बीच में देखो डेफिनेशन क्या है फॉल्स फ्रूट जो है वो फ्लोरल फ्लोरल पार्ट्स आते हैं मतलब जो फूल वाले पार्ट्स हैं उनसे आते हैं और ये जो है ये फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट हैं जहां पे फर्टिलाइज्ड ओवरी वॉल फ्लैशी फ्रूट बन जाती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसमें नहीं है इसमें है फ्लोरल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें मैंने आपको बताया है, है, के अलावा और एप्पल पेयर गार्ड के कम्बर एप्पल फ्रूट नहीं है मैंगो कीवी फ्रूट वाटरमिलन चेरी ग्रेप मेज है इसके एग्जाम्पल देखो कैशोनट कहा से डेवलप होता है पिडंकल से एप्पल पेयर गार्ड के कंबर थैलिमस से जैक फ्रूट एंटायर इन्फ्लोरसेंस से और पैरो पार्थोनोको आर्पिक फ्रूट कौन से होते हैं जो बिना फर्टिलाइजर के मतलब जो सीडलेस होते हैं जैसे बनाना फिग ऑरेंज ग्रेप पेयर ग्रेप फ्रूट ये एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल तो है। ठीक है चलो एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गे कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन की एग्जाम्पल है मतलब जो कुछ टाइम बाद डेवलप हुए इवॉल्व हुए या फिर जिनका इतना कोई खास यूज नहीं था जैसे साइनस ये ह्यूमन चीक बोन्स में होते थे पॉकेट्स ऑफ ऑफ एयर कॉल्ड थिन लेयर का कोई सिग्निफिकेंट यूज नहीं था पर इन्फेक्शन से साइनेसिटिस हो जाता था अपेंडिक्स सुना होगा आपने बहुत लोगों का रिमूव हो जाता है ये सबसे कॉमनली फाउंड वेस्टिजल ऑर्गन है फिंगर लाइक ट्यूब होता था होता है वर्मी फ्रॉम प्रोसेस में प्राइम इंसेस्टर्स में इसमें डाइजेशन होता था सेलुलोज का लेकिन अभी कोई ऐसा कोई खास नहीं है इसका रोल कॉशियस ये लास्ट पार्ट था वोटेबल कॉलम का बस इतना ध्यान रखना विजडम तो आप जानते हो अकल अकलदाड़ अभी भी निकलती है है ना इनएक्सेबल uh, रिमोट है और पेन और इन्फेक्शन हो जाता है रफ एंड रॉ फूड एक्सटर्नल ईयर होता है ये भी वेस्टीजियल स्ट्रक्चर है डिक्टेटिंग मेमब्रेन ये थर्ड आइलेट होती थी कुछ एनिमल्स में और टॉन्सिल्स तो आप जानते ही हैं पहले लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं लेकिन कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं हमें टॉन्सिल्स हो गए हैं तो टॉन्सिल्स होते ही हैं लेकिन वो स्वेल अप हो जाते हैं इसलिए ऐसा बोला जाता है इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय सम इंसेक्ट्स जैसे फीमेल एनोफिलीज क्या करती है मलेरिया फीमेल एडिस एजिप्टी क्या करती है येलो फीवर एजिटाइ डोमेस्टिक फ्लाई कॉलरा, पेडिक्योरा टाइफाइड फीमेल क्लेवेरा फ्लेरासिस करती है ग्लोसिना पैल्पीला स्लीप डिसऑर्डर बेडबक्स चगारा डिजीज करते हैं सैंड फ्लाई कालाइजर तो एक ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है आपका डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल दिया हुआ है देखो ऑयल क्या है ऑयल विस्कस लिक्विड है जो फ्रूट्स में सीड्स में मिलता है फैट एक ऑयली सब्सटेंस है विच इज फाउंड अराउंड यू ऑर्गन अंडर द स्किन ऑफ एनिमल्स ऑइल्स आर मेडअप ऑफ अनसे मेडअप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑइल्स आर लिक्विड स्टेट पे होते हैं नॉर्मल हैंचर पे एंड दे आर सॉलिड्स वेजिटेबल्स हैं मेन सोर्स ऑयल्स का एनिमल्स हैं मेन सोर्स फैट्स का दो तरीके के ऑल्स होते हैं मोनो अनसेटेड और पॉली अनसे और दो तरीके के फैट्स होते हैं ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स ऑयल से हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है और फैट्स की कंजम्पशन से बढ़ता है आप जानते हैं ऑलिव ऑयल कनोला ऑयल पीनट ऑयल सोयाबीन ऑयल ये सब एग्जाम्पल घी बटर क्रीम मीट लार्ड एक्सेट्रा ठीक है चलिए तो अब ना हम वन लाइनर देखेंगे सारे बायोलॉजी के यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आने का चांस होता है तो हम इसको कवर करेंगे चलिए क्रोमेटन मटीरियल जो है इट इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स द टर्म क्रोमोसोम्स लिटरली मीन्स कलर्ड बॉडीज द रिपीटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज इज न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइंट दी कॉम्पलीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस फॉस्फेट शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस किसके तीन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वॉटर एंटर्स रूट हैज आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस से प्योरिफिकेशन uh, भी होता है uh, पानी का सुना होगा आपने है ना तो याद रखिएगा और ये जो है ना रूट प्रेशर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं थोड़ी थोड़ी पोर्स कुछ पोर्स के कुछ आ, लीफ से जैसे आप समझो आ, कुछ वो होता है ना घास उस हिसाब के कुछ होते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे ओस पड़ी हुई है लेकिन वो ओस नहीं होती है ठीक है ओस और गटेशन में अंतर होता है तो ऑस्मोसिस आप जानते हैं वाटर एंटर करता है रूट हेयर्स रूट प्रेशर और टर्गर प्रेशर एंड ट्रांसपेरेशन पुल इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं जिसको मोस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेशन इन टॉल ट्रीज अकर्स थ्रू लेंटिकल्स हाइडाथोड्स इज द स्ट्रक्चर इन अ लीफ दैट अलाउज गटेशन Genong's potometer is used to measure the rate of water intake by a plant. During photosynthesis, the oxygen in glucose comes from carbon dioxide present in atmosphere. Photosynthesis stops at a temperature of about 40 degrees centigrade. The dark reaction of photosynthesis is called Kelvin cycle. In flowering plants, food is transported in the form of sucrose when a doctor is recording your pulse he's pressing your wrist exactly on an artery the nearest organ to which the heart supplies oxygenated blood is obviously heart itself the chief function of lymph nodes is to destroy pathogens hepatic portal vein is a vein which starts from an organ and ends in another organ besides the heart it starts from gastrointestinal tract to liver Pulmonary artery is the only artery that carries impure, that is, deoxygenated blood. Mammalian rod blood cells, when mature, circulates in the system and are devoid of certain organelles. Loss of nucleus makes the red cells biconcave, thus increasing their surface area volume by absorbing uh, volume ratio for absorbing more oxygen. In humans, urea is formed in liver. A hepatic vein is a vein in which urea concentration is maximum. Thus cerebellum. Is the part of the brain which is responsible for maintaining posture and equilibrium. Salivation at uh, the sight and smell of food is condi conditioned reflex while knee-jerk, eye-blinking and sneezing. They are natural reflex action. Reflex action is controlled by spinal cord. Cornea is grafted in a needy patient from a donated eye. The rod cells of the retina and their pigment rod spin gets activated in dark and the cone cells...

करोपैथिक्रोमैग्नॉन होमोसेपियंस ये क्रोमैग्नोन यूपीएससी में था एक बार क्वेश्चन यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड प्रोफिलेक्टिक वैक्सीनेशन वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड राइज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलशन न्यूरोज ड्यू टू दी एबनल फोल्डिंग डिस्पर्जल बाय विंड ऑर्किड प्लांट डेंडिल्स वन प्लांट्स ये सब करते हैं वाटर कोकोनट पाम मैंग्रोव वॉटर लिली एनिमल्स इन बर्ड बर्ड प्लांट डेट्स रैम्बन सी ग्रेप्स एक्सप्लोजन पी एंड बीम प्लांट्स पॉट्स होते हैं तो वो जब फूटते हैं तो ऐसे करके

DNA, mitochondria, and ribosomes, and endoplasmic reticulum are not present in mature, mature mammalian RBCs. DNA was discovered by Frederick Mischere and double helix model was given by Thomas Watson and Francis Crick. Farak, deklo. DNA is a genetic material and carries information about the characteristics of an organism from parent to child, like a birth certificate. Apart from the nucleus, it's also found in mitochondria and chloroplasts. Man is a monogamous animal with a total of twenty-three pairs of chromosomes, forty-six. फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई फीमेल्स में फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स ऑटोसोम ट्वेंटी टू पेयर फोर्टी फोर मेल्स ट्वेंटी थर्ड पेयर एक्स वाई जो होता है मेल्स में एक्स एक्स फीमेल में उसको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं बोन इज दार्डेस्ट इश्यू टू जीरो सिक्स बोन्स होती है अडल्ट में विच मेकअप द skeletal system the smallest bone is stapes found in human ear while the largest is femur found in thigh ligament is the connective tissue that connects one bone to another tendon is the connective tissue that connects muscle to bone the nail belongs to the outer skeleton which is made up of alpha keratin they're formed by the mass of dead cells in which there is no circulation of blood this is the reason why they why we do not feel pain when uh, calcium, phosphorus, and fluorine are essential for bone and dental formation and its strength. Their deficiency leads to bone and dental diseases. Mammals, including humans, ideally have four types of teeth incisors, canines, and premolars and molars. Enamel is the hardest part of the human body. It's very hard, white, and shiny on the crown of the tooth. It is mainly composed of calcium phosphate and calcium carbonate. The jaw muscles are considered the strongest in terms of their ability to lift a heavy object.

कैपैसिटी ऑफ द लंग्स टू फिल एयर इन हेल्थी पर्सन इज सिक्स थाउजेंड एम एल और सिक्स लीटर्स वाइट ब्लड सेल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस प्लेटलेट्स प्ले अजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग आरबीसी कितना है नॉर्मल ह्यूमन बींग में फिफ्टी फोर लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड फीमेल्स में थोड़ा कम होता है डब्लू बीसी फाइव थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हाइएस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसमें और लीस्ट नंबर ऑफ बेसोफिल्स होते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यू बीसी इन साइजेस मोनोसाइट्स एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है याद रखिएगा प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ नाइन्टी वन टू नाइनटी टू परसेंट वाटर एंड दिमेनिंग एट टू नाइन परसेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गे एंड ऑर्गेनिक मैटर देर आर टू लेवल्स ऑफ ब्लड प्रेसर इन दर्टरी इज द सिस्टोलिक प्रेशर इज डायस्टोलिक सिस्टोलिक आपका एटी होता, होता है और से हम इसको नापते हैं इन नाइनटीन हंड्रेड डिडी ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट एंड एंडियन कार्लर डिस्कवर दी फोर ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ फिर आर एच फैक्टर बाद में हुआ था रीजस मंकीज में के ब्लड से मिला था ये हमको लैंस्टीनर और वीनर को मिला था एलम इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ड्यू टू हाई कोगुलेशन बार ऑफ एलुमिनियम आयंस इट इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग

There are 12 parts of cranial leaves in humans. Of these, the first, second, and eighth pair are sensory, and the rest are mixed sensory and conductive. Most mammals and birds, including humans, are deterministic, that is, their body temperature remains the same in winters or summers. हाइपोथेलिमस एंटीरियर ब्रेन का पार्ट है इट कंट्रोल हंगर एंड लव हेट सेट इट ऑल्सो कंट्रोल्स दर्मोन सीक्रेट बाई द्राइन ग्लैंड हाइपोथेलिसमोस्टार्ट ऑफ द ब्रेन विल नॉट फील द पेन वेन मीडल इज इंसर्टेड ब्रेन लैक्स पेन रिसेप्टर स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज राउंड एंड ब्राउनिश रेडिसको हाइपोफिसिस कहते हैं मास्टर ग्लैंड बेसिकली the hypothalamus is considered to be the master of pituitary gland because this part of the brain has a major role it's a major coordinator of the nervous system and endocrine system और ग्रोथ हॉमन इज रिलेटेड टू ग्रोथ इन द बॉडी एंड एक्सेस ऑफ विच लीड्स टू स्टेट ऑफ यूफूरिया वाइल्डी है कॉमन ग्वेटर एंड है एक्सोथेलमिक गोइटर एंड प्लूमस डिजीज देर कॉज बाय दिक्रिएशन ऑफ थायरेडलैंड अ बॉडी विद डायबिटीज इन ऑफन फील्स एक्सेसिवली थर्सोज इट डिहाइड्रेट्स द बॉडी विच इज ट्रीटेड विद सिंथेटिक एडीएच और वैसोप्रसिन पेट्रेसिन भी कहते हैं Consumption of coffee tea or whiskey decreases the amount of ADH hormone in the body due to which increased urine volume leads to frequent urge to urinate and dehydration of the body. वेन देर इज एन एक्सेस ऑफ वैसोप्रेसन और एडीएच यूरिन बिकम्स थिक एंड ब्लड बिकम्स डायल्यूट जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वैसोप्रेसन कहां से सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से मेन फंक्शन क्या है टू इक्रीज द री एब्जॉर्शन ऑफ वॉर इन टू द ब्लड फ्रॉम द डिस्टिल कॉन्विट पार्ट ऑफ रेनल ट्यूबोल्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स इन द किडनी हैंड एंटी डायरेटिक हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट एडीएच a hormone called adrenaline or epinephrine is secreted from adrenal medulla the secretion of which causes an increase in heart rate and sensation in the body due to its effect blood circulation increases in the brain skeletal muscles heart lungs liver etc this reduces the increased blood pressure due to effect of norepinephrine the hormone secreted by adrenal glands is also called fight and flight hormone. These hormones are ready to react with severe calamity to face the crisis situation in the body. Estrogen, progesterone and relaxin are major female hormones. Estrogen is produced in females by cells of the theca interna of the graphene vesicles of the ovary from puberty to the age of menopause. Main estrogen is estradiol, which is called the female growth hormone. It's helpful in the proper development of secondary sexual characteristics of females such as breasts, milk glands, uterus. The hormone relaxin is secreted in pregnancy by corpus luteum and placenta. It's a polypeptide. This hormone makes the joint called the pubic symphysis of the pelvic plexus flexible and dilates, which facilitates childbirth. Male hormones, androgens, ledig cells greeting, or testosterone main hormone, is androgen It's also called male growth hormone. It induces changes in male sexual characteristics and sexual behavior. Hugging or kissing between the mother and the baby, feeling of caring for baby. And feelings of pleasure during sex increase the hormone oxytocin. It has two target tissues, uterus and mammary glands of women. Enzyme that digests protein is, is renin, which converts the milk soluble protein casein into solid and soluble calcium. Uh, Paracassinate and freezes the milk in the form of curd. Breast milk provides almost complete nutrition, but it is deficient in iron. Very important line. Gastric juice in infants contains a digestive enzyme called renin, but adults may nahi hota hai. Milk is spoiled by lactobacillus bacteria. It's a very important bacterium which is found in the digestive tract. They convert milk sugar into lactic acid, due to which the milk becomes sour. The work of making curd, milk and cheese from milk is done by these bacteria. Alpha keratin is a protein present in horns, nails hair hooves skin etc it's a type of keratin human body cells cannot synthesize essential fatty acids linoleic acid and linoleic uh, it, these are essential fatty acids for human health in oil seeds crops maximum alpha linoleic acid is found in linseed or TC. alpha linoleic acid is an uh, omega 3 fatty acid which is able to prevent the accumulation of fat in the blood vessels Unsaturated fats are more reactive than saturated fats. There are double bonds between any of the carbon atoms in their molecules. Saturated fats do not have double bonds. The rate of decomposition in polyunsaturated fatty acids is very rapid, due to which maximum molecules of oxygen are taken up in the vascular action. As a result, the vascular activity in man increases. Polyunsaturated fatty acids are found in abundance in fish, which is a good nutrient of humans. Triglyceride is a type of fat. एनर्जी फ्रॉम फूड इनटू टू ट्राइल इट स्टोर्ड इन फैट्स जैसे बढ़ता मोटापा एवरेज फैट कंटेंट इन बफ्लो मिल्क केउज मिल्क टू 4 फोर परसेंटेटिंग मदर नीड्स प्रोटीन फ्रॉम टेन परसेंट टू फिफ्टीन परसेंट दोटल डायट पर डे दिसाइव ग्रामीस ऑफ मैल्यूट इज डू टू अनबैलेंस न्यूट्रिशन या तो अंडर या फिर ओवर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्मी टाइप्स जो है प्रोटीन्स uh, हैं और ग्यारह जो हैं वो फूड और से ऑप्टेन हो सकते हैं एंड ऑल्सो बी मेड इन सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इनको हम कहते हैं हिस्टेडीन आइसोल फिनाइल ट्रिप्टोफैन वेलिन हार्डवर्किंग मैन नीड्स थर्टी फाइव हंड्रेड टू फोर थाउजेंड किलो कैलोरीज एनर्जी डेली वाटर कैलोरी फीड है

हर्बल मेडिसिन है जो ल्यूकोडर्मा के लिए डेवलप की गई थी डाइबर डिफेंस बायो बायोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ लोकेटेड इन हल्द्वानी उत्तराखंड इट्स नोट वधी दैट ल्यूकोडर्मा व्हाइट स्पॉट्स नहीं हो जाते चिकते चकते हो जाते हैं इट्स अ स्किन डिजीज मायोपिया मायोपिया क्या होता है नियर साइटेडनेस डिजीज इन आई इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल लेकिन दूर का नहीं दिखता है

और बहुत टायर्ड फील करता है सोने के बाद भी फेन्यूग्रिक एंजियोस्पर्म प्लांट है द सीड ऑफ ऑफ इज बेनिफिशियल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल अ डायबिटिक पेशेंट करी प्लांट कड़ी पत्ता जो होता है वो इंडिजीनियस इंडिया का मतलब यहीं का है और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है बालों के लिए पेट के लिए एम्फिसेमा ये एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है लंग्स को इफेक्ट करता है इन हार्ट अटैक कंडीशन ऑफ एथेलेशन ऑफ फिब्रस टिश्यू एंड ऑफ कोलेट इन एंड आर्टरी ओपनिंग ऑफ द्स इन इट बिकम नैरोज ए रिजल्ट देर इज इन सफिशियंट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन इन दी बॉडी ओबेसिटी हाईस्ट्रेस स्मोकिंग फैटी ये सब क्या है ये एंटीकोगलेंट ड्रग्स यूज होते हैं ट्रीटमेंट में इट इज नोट वर्दी दैट द यूज ऑफ एस्पिर इन हार्ट अटैक एस्परिन में एक्चुअली एसपेरिन एक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है पेन रिलीवर एंटीबायरोटिक एंटी इन्फ्लोमेट्री है ब्लैंक कैप्सूल्स जो यूज होते, होते हैं ना जिसके अंदर दवाइयां भरी होती हैं वो स्टार्च के होते हैं जिससे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं जॉन्डिस लिवर को इफेक्ट करता है लिवर सेल्स जो है वो बिलरुबिन नहीं ले रहे होते ब्लड से तो येलो बिलरुबिन ब्लड में रह जाता है और स्प्रेड होने लगता है इस वजह से येलो दिखती है ना आंखें और स्किन भी कॉन्टिगुअस डिजीज नहीं है बी एम डी टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस ऑस्टिपेरोस डिजीज और बोन डिजीज है ये दैट द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। इन दिस डिजीज बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और बोन माइक्रोस्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है द फर्स्ट आवर ऑफ हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं गोल्डन आवर Potassium controls the heartbeat and functions of vascular system. Meat, fish, cereals, fruits, vegetables, etc. They are good sources of potassium. Phosphorus is essential for bone development. Iron deficiency causes anemia. Gold 198 radioactive isotope gold ka which is used in cancer treatment. Long term fasting. का इफेक्ट किस पे पड़ता है किडनीज पे पड़ता है और रोडियो सोडियम इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी करके डिजीज होता है ब्रेन को इफेक्ट करता है कैटल के एक डिसऑर्डर्ड प्रोटीन होता है प्रियॉन प्रेजेंट इन द ब्रेन इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज द वर्ड एंथोफोबिया इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंथोस एंड फोबोस इन विच फियर अराइजेस फ्रॉम फ्लार्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लॉर्स क्लम्प फोबिया मतलब फियर ब्राइट्स डिजीज़ जिसको यूरिमिया कहते हैं इट अफेक्ट्स किडनीज इन द बॉडी एनसोमिया और अलफेक्शन और ओडर इनसेविटी पर्सन में सेंस ऑफ स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है मीनी मैटर डिजीज इज कॉज बाय मर्करी पॉइजनिंग इट हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सेसिव कंजशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू लिवर सिरहोसिस और इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द लिवर फर्टिलाइजेशन के बाद डिविजन स्टार्ट इन द जायोट एंड मोरूला बेस्टुल एंड आर फॉर्म रिस्पेक्टिवली मेल्स पर्म फर्टिलाइज द फीमेल्स और वोमेन फेलोपियन ट्यूब द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रोला फॉर्मेशन अकर्स इन द थर्ड वीक एंड ड्यूरिंग दिस थ्री इनिशियल जर्मिनेशन स्टेज आर स्टेब्लिड द हार्ट ऑफ अन एम्ब्रियो स्टार्ट इन द फोर्थ टू फिफ्थ वीक ऑफ इट्स The third to eighth week of embryonic development is called embryonic development period क्योंकि इस टाइम पे organ development start हो जाता है द फ्रूट्स ऑफ आमला मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं विटामिन सी बहुत सारा होता है इसी वजह से डॉक्टर ऑफ द हाउस कहते हैं इसको मैंगो बनाना एप्पल्स ये सब बहुत अच्छे होते हैं गुड हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन के लिए ग्रेप्स आप जानते हैं वाइन मेकिंग में बहुत काम आते हैं अ केमिकल कॉल्ड एज अ डिरेक्टेन ये नीम में मिलता है तो इसमें ही इंसेक्टिसाइडल insect, uh, और फनजिसाइड प्रॉपर्टीज होती हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ नीम आर यूज टू मेक मेडिसन्स फॉर स्किन डिजीजेस पैरासिटिक डिजीजेस कॉन्ट्रासेप्टिव मलेरिया स्मॉल पॉक्स एटसेट्रा जेट्रोफा करंजा नागचंपा नीम ये सब क्या बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं बायोडीजल कहां से होता है सीड्स ऑफ जेट्रोफा या फिर कंट्रीज फर्स्ट बायोडीजल प्लांट कहां था का, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सेटअप किया गया था द वायबल बायोफ्यूल इथेनॉल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड मेज जनरली शुगर केन एंड शुगर बीट से बनता है शुगर पाइनस ग्रेराडियाना ये चिलगोजा पाइन होते हैं ना पाइनट्स देखें आपने पतला पतला होता है ब्राउन कलर का कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत रिच होते हैं मेन मस्कीटो रिपेलेंट नीम से डिराइव होता है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज में मिलती है तरमिक हल्दी ब्राह्मी को जललिम्बी कहते हैं क्योंकि ये वाटर लॉग लैंड में मिलता है ब्रेन uh, के लिए बहुत अच्छा होता है ब्रह्म रसायन आपने देखा होगा उसको बैद्यनाथ या फिर धूपापेश्वर किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक ब्रांड का आप खा के देखो बहुत रिलैक्सड रहती है ब्रेन की मसल्स

कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन इट्स अ पावरफुल नॉन फ्रैक्शनल एवेलुएशन टेक्निक और इससे टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल पिक्चर मिलती हैं ऑब्जेक्ट्स की इट यूज एक्सरेज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज डायमेंशन साइज इंटरनल डेवलपमेंट एंड इट्स डेंसिटी कैन भी इजिली टेकन डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर्स लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप टू फोटोग्राफ सेलेब्जेट स्टार्स दे आल्सो यूज टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ ईयर नो एंड थ्रोट चिकोरी ये आपका वाइल्ड एक हर्बल प्लांट है बेसिकली रोड साइड्स में मिल जाएगा आपको फॉरेन कंट्रीज में काफी वनीला जो है आ, कहां से मिलता है वनीला ऑर्चिड से सनफ्लावर ऑयल हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है फैट उसमें कम होता है बहुत अच्छी बहुत अच्छा सोर्स है यूज करना चाहिए एस्टर फैमिली का होता है एंजियोस्पर्म प्लांट है हनी भी सोशल एनिमल है बहुत लैंड माइन डिटेक्ट करने में भी काम आता है हाइव और कॉलोनी में क्वीन बी भी होती है कुछ मेल फ्लाइज होते हैं ड्रोन होते हैं वर्कर लेबर भी होते हैं हनी और वैक्स मिलता है हमको नी distinctive, distinctive smell. कोम्ब smell की स्मेल से कि आप उसी हनी कोम्भ के हो या नो नहीं हो उसी से मेम्बर्स एक दूसरे को रिकोगनाइज करते हैं कार्ल वॉन फ्रिश थे एक ऑस्ट्रेलियन जोलॉजिस्ट उन्होंने डिटेल स्टडी की थी इस पे मायोग्लोबिन क्या है ये मसल टिश्यू में मिलता है सारे मैम्स के आयरन होता है इसमें यही सवाल आएगा बस डोस एंड बैसेंजर्स ये सब स्पीशीज हैं डॉग्स की ये बार्क नहीं करते बार ऐसे चहकने की आवाज निकालते हैं उल्टा द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेड रिबन एक्सप्रेस टू ट्रेवल अक्रॉस दी टू मेक पीपल अवेयर अबाउटर्स एच आईवी एड्स एंड टू प्रीवेंटेड सेवन कलर्स जो है इंद्रधनुष ये बच्चों जो वैक्सीनेटेड नहीं थे बच्चे उनके लिए ये स्टार्ट किया गया था सेवन वैक्सीन uh, कौन सी वैक्सीन uh, किसके किन बीमारियों के लिए थी प्रिवेंटेबल डिजीजेस कौन कौन सी हैं डिप्थीरिया इसका है वर्ल्ड लार्जेस्ट कन्वेंशन एड्स बैंकॉक नहीं आएगा ये ई जी इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड इन द ब्रेन ईओजी इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी टेक्नीक फॉर मेजरिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द रेटिना ई एम जी इलेक्ट्रो मायोग्राफी टेक्निक ऑफ एग्जामिन मसल एंड नर्व दंट्रोल इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एंडोस्कोप टेट्राप्ली रेफर्स टू पेाल बोथ लेग्स उसको भी कहते हैं और पैराप्लीजिया मतलब लोअर पार्ट का पेरालिस इलेक्ट्रॉन बीम थे और इंक्रीज कर देता है हार्मफुल एल डी एल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सनफ्लार ऑयल इज सुबल फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज इन इट इज वेरी लेसर ऑयल बिलोंग्स टू एस्ट्रेशिया फैमिली और यह एंजोस्पॉम है इन्सेक्ट रिलीज करते हैं ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिलिस ये क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कॉमनली यूज इन बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड ईस्ट कॉल्ड सेक्रोमाइसिस कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेल दर आर टू आइज इन द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सेंस ऑर्गन जो एट साइड ऑफ नॉस्ट्रल्स पे हैं ऑपथेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस अंडर विच द स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द आईज आर डन आई डोनेशन में ट्रांसप्लाटेशन ऑफ कॉर्निया इज डन Dr. Christian Bernard was a renowned surgeon from South Africa. He performed the first successful replacement or transplant of human heart. <clears throat> the function of the speed inducer is to adjust heartbeat. Crocodile species found in India have been included in the list of endangered species by the IUCN.

सरक्षा जो है ये एड्स रिलेटेड है अंगोरा वूल किससे मिलता है अंगोरा रैबिट से भेड़ से नहीं 1992 में हुआ था नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन टर्माइट्स को व्हाइट एंट्स भी कहते हैं क्या है ये दीमक द सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च कहाँ है काराकोडी तमिलनाडु हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल मध्य प्रदेश में है

उउटट रेड ब्लड कार्पस्कुल्स मेरी ऑफ द वेल नोटिबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में जर्मन फिजियोलॉजिट विम क्यून ने फर्स्ट टाइम यूज किया था टर्म एंजाइम एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट मेड ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स छह क्लास है, इनकी नहीं पूछेगा आपसे छोटो ऑल एनजा बाय कॉम्पोजिशन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम चिकनगुनिया चिकनगुनिया वायरस से होता है एन इंसेक्ट बॉर्न वायरस ऑफ जीनस एल्फा वायरस विटामिन सी इज एन इन फ्रूट्स गुआवाइड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में आयोडीन कंटेन करता है डेफिशिएंसी से गॉटर डिजीज होता है अभी देखो यहां पे कुछ डिजीज दी में कंजेक्टिटिस से क्या होता है आंखों पर असर पड़ेगा डेमेटाइसिस से स्किन इफेक्ट होगी गाउट से ज्वाइंट्स मिनजाइटिस से स्पाइनल गॉड बेनजीन की वजह से बोन मैरो और सोमैटोट्रोफिन एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है काउपर्स ग्लैंड रिपोर्डक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है हमने ऊपर देखा भी था ये एस्थेमा क्रोनिक लंग डिजीज है और ट्यूबरक्सिस लंग डिजीज है टेक्सटाइल फैक्ट्रीज कार्पेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एस्थेमा ट्यूबरक्लॉसिस काफी देखा जाता है एयर बैग में सोडियम एजाइड होता है याद रखना गार्लिक की स्मेल एलाइल मिथाइल सल्फाइड की वजह से होती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में एक्सट्रैक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन होता है बेस पेयर पैटर्न का ऑफ एन इंडिविजुअल्स डीएनए प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है बाय सन ब्लॉटिंग ह्यूमन हार्ट फोर टू सुपीरियर आर्ट्रिया टू इन्फीरियर वेंट्रिकल्स आर्ट्रिया आर गेटिंग चेम्बर्स एंड वेंट्रिकल्स आर प्रोवाइडिंग चेंबर्स मतलब ये लेंगे ब्लड को ये देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प फुली ऑक्सीडेंटेड ब्लड टू आयोटा और फिर बॉडी को जाता है राइट ऑट्रियम एम डी ब्लड को लेता है सुपीरियर वेना कहवा से hemostatic regulation includes sweating it is the main process through which the body gets coolness chloramphenicol it affects bacteria which are resistant to all other medicine Cinchona bark creates quinine which is an anti-malarial drug poppy plant creates morphine it's an opium alkaloid which is a strong analgesic and have also has sedative and soothing effect fungus and bacterium are the sources of antibiotics penicillin and tetracycline respectively

िन बी वॉटर सॉलेबल है ओवरडोजन में चला जाता है बाहर ए डी एडेक्ट याद कर लोक ए डी फैट सॉलेबल है तो ये यूरिन से नहीं जाते हैं बाहर प्रोजीरिया मतलब एजिंग uh, ये आपने पा मूवी देखी है ना उसमें यही बीमारी दिखाई थी प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर्स एडिशनल 400 हंड्रेड एमजी ऑफ फोलिक एसिड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन फोलिक एसिड बिकॉज दे हैव फोलेट इट डाइजेस्टिव सिस्टम डू नॉट सीक्रेट इन टू डाइजेस्ट सेलोलो बट द सेलूलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ह्यूमन ऑफ कैटल्स कैन डाइजेस्ट द सेलूलस एग्जिटिंग इन फॉर्डर फोटोकेमिकल स्मॉग टेक्स प्लेस इन वॉर्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट द वर्ड स्मॉग मीन स्मोक एंड फॉग इट मीन स्मोकी फॉग द स्प्रिंकल्ड सोल्ट डिजोल्व इन द वॉटर प्रेजेंट ऑन द मॉइड स्किन ऑफ अर्थॉर्म एंड मेक्रेड सोल्यूशन फ्लूड हिपनोटिकॉर्म डाइसॉटिकॉक से एक्सपोजर टू माइक्रो ग्रेविटी इन द इनवायरमेंट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉट्स टू लूज कैल्शियम फ्राम बोन्स तो ये होता है अर्थ ग्रविटी कैप्सेंस में ट्रांसपेरेशन इज अ प्रोसेस लाइक वेपोरेशन एंड इट्स लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स लो एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से एन टू मिक्सू से और ऑक्साइड बनाता है एसिडिक हो जाए तो सीओ टू बढ़ जाएगा और टू कैरी कैपैसिटी जो है इट बिलोंग टू ग्रुप ब्रायोफाइट्स दे एब्सॉर्व वॉटर थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस और ब्रायोफाइट्स में जाइलम नहीं होता फ्लुएम मार्सीलिया और फर्न जो है ये साइका बिलोंग टू जिमोस्पमेटा ब्लैडर मशरूम ऑटोट्रॉफ नहीं होता है प्रोसेस डाइजेशन का कहा से स्टार्ट होता है बकिली से माउथ कहते हैं जिसको ठीक है और इट स्टार्ट विद लिप्स एंड एंड थ्रोट कवरिंग दैविटी टंग एंड जॉ जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है इट्स अ प्रोसेस

शॉर्ट कोर्स ये टीवी के लिए था डब्ल्यू एच ओ का थार्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच थिंग्लेक्सिबल ट्यूब कैथेटर इज यूज टू पुट स्पर्म आर्टिफिशियल इंटू वस सर्विक्स इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हॉर्मोन प्रोड्यूस बाय बी सेल्स इन दैनक्रियाज एंड बाय ब्रोकैन बॉडी इन समेलियोस्ट फिश गुड केलेस्ट्रॉल होता है एच डीएलटी डेंगू वायरस आफ्टर इन्फेक्शन इंटरफेस द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन बोन मैरोक्ट

Directly controls water content of body. It purifies the blood by removing toxins from it, and in doing this, water is excreted along with these toxins. Potassium and sodium elements are involved in the process. Adipocytes are cells that derive from multipotential mesenchymal cells. Their main role is to store energy in the form of lipids to cushion and insulate the body from outer environment. Colostrum, is the first form of milk, is produced mammary gland se produce, kiya, gaya tha, following the delivery to new newborn. It contains immune cells also. इम्यून इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं अगर ये मिल्क बच्चे को मिल जाए तुरंत तो बिलोंग्स टू ग्रुप एम्फीबिया शोज थ्री हार्ट दो ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल इट हैज थ्री चेंबर्ड हार्ट पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस ऑल एम्फीबियंस एम्फीबियस थ्री चेंबर्ड हार्ट एनर्जी इज यूज लिबरेटेड फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल टू डू वर्क इन द सेल बाई रिएक्शन दैट रिमूव दिन ग्रुप लिविंग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी

एलगेगा से पॉन्सलो है? है? कहते हैं स्पाइर को रीजन फॉर द्रोथ ऑफ एलगी न्यूट्रिशन इन विच मेजर स्टेज इज द्रायोफेटा एडेबल पार्ट ऑफ अनियन इज कॉन्सेंट्रेट फ्लैशी इन विच फॉर्म फूड इज स्टोर्ड इनियन सेल्यूलोज What is a true fruit denoted by when only the ovary of a flower develops into a fruit? What is the arrangement of leaves on an axis or stem called phyllotaxis? Plants climb up by extension. From the point of view of life cycle, the most important part of plant is flowers. Hermaphrodite flowers are related to both stamens and carpels. Which is the useful part of cauliflower plant, uh, fresh flower arrangement? What is pollination by wind called anemophily? The process of pollination done by birds or entomophily. What are the seeds of flowering plants made up of Cotyledon. What is the formation of an embryo in an egg without fertilization called parenthenogenesis? Gametes, which are what is formed as a result of fusion? Diploid zygote. Coriander contains useful components, leaves and dried fruits.

वेयर डज मोस्ट ऑफ द फोटो सिंथेटिक एक्टिविटी टेक प्लेस ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट कौन सी लाइट लीस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन और कौन सी सबसे आता रेड फोटोसिंथेसिस कहा होता है क्लोरोप्लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या है कार्बोहाइड्रेट कब होता है सिर्फ दिन में कौन सी गैस नेसेसरी है सीओ टू कौन से प्रोसेस से सीओ टू हटता है एटमोसफेयर से फोटोसिंथेसिस से और कौन सी रिलीज होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज जो होती है वो किससे आती है किसके फिशन से वाटर के फिशन से वॉट इफ ऑक्सीजन रिलीज वाइज ऑक्सीजन रिलीज फोटोलेसिस ऑफ वाटर होता है क्योंकि इफ वेजिटेशन फाउंड ऑन दी अर्थ एंड कौन सा गैस नहीं होगा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी किसमें बदलती है केमिकल एनर्जी में विच इज मेनली मेली टू प्रिपेयर स्टोरेज ऑफ फूड स्टार्च एंड प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर At which stage of photosynthesis glucose is formed, Calvin cycles, which organically mediates the breakdown of pyruvate into CO2, H2 and energy in plants, mitochondria. By what is energy transformed from the light re reaction to dark reaction, ATP? What is the evaporation of water from the leaves of plants called transpiration? The wilting of plants is due to transpiration. Which of the plant structures are responsible for transpiration, stoma? What is called anaerobic respiration, respiration without oxygen?

dwarf plants can be made taller by cytokinin application DASH is a group of chemicals that affect cell division and plant formation cytokinin which is a natural fruit ripening hormone ethylene PIP, uh, pip growth regulators are small simple molecules of different chemical structures what are these? indole compounds, adenine, derivatives, carotenoids and terpenes red rot of sugarcane is caused by coleototrichum phalactum

In the food chain, humans are primary and secondary consumers. When we eat goat or sheep, we are secondary consumers. Hain, who make up the food chain? Grass, goat, and human. Where is competition for food, light, and space most severe? Closely related species growing in the same area or niche. What, which is the correct sequence in the ecosystem in the order of decreasing productivity? Mangroves, grasslands, lakes, and seas. Which work disturbs the ecological balance? Deforestation. Which one is the main reason for ecological imbalance in India? Deforestation. Green gold. लेकिन अच्छा नहीं होता एनवायरमेंट के लिए यूकेलेप्टिस नॉट एन इकोलॉजिकल फ्रेंड यूकेस विच मीन्स रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट नेचुरली और आर्टिफिशियली रिफॉरेस्टेशन मैक्सिमम स्टेबिलाईजेशन ऑफ सोलर एनर्जी डन बाय ग्रीन प्लांट्स वॉट प्रोवाइड्स मैक्सिमम ऑक्सीजन फाइट टू प्लांटन मॉस दमाउट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर मीस रिलेटिवली कॉन्स्टेंट बिकॉज इट इज रिल्ड बाय प्लांट्स विच शोज यूनि डायरेक्शनल फ्लो इन एन इकोसिस्टम एनर्जी विच ऑफ द एनर्जी सोर्सेज इज बेस्ट फॉर कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन सोलर सेल

पहला मनाया था 1973 में यूनेप का हेडक्वार्टर कहा है नैरोबी में नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा है नागपुर में एफ आर आई जहां स्टूडेंट ऑफ द की शूटिंग हुई थी देहरादून में वेर इज क्वार्टर ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम क्रॉप लैंड विच अकरिंग ग्रीन हाउस गैस इज ग्रेटेस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट सीओ टू ओजोन मेजर किसमें होता है डॉपसन में वेर इज ओजोन होल फाउंड इन एटमोसफेयर एंटार्क्टिका ओजन कैब्सॉर्व करता है यूवी रेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन से स्किन कैंसर होता है विच रेज डैमेज द स्किन यूवी रेज वट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेर विद इज नो ओजन लेयर अल्ट्राइलेट विच इज रिस्पॉन्सल फॉर ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन विच इज लाइकली टू हैव लेस इम्पैक्ट ऑन इनवायरमेंट इंपैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कंबशन ऑफ कोल पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा इज द बेसिक सोर्स ऑफ एयर पल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज एन इंडिकेटर ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेंस ए फॉर स्टेशन इज वन वे टू रिड्यूस एक्मलेन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दटमोस्फेर ट्रीज एक्स कार्बन सिंक इट इज सेट दैट सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर वॉट इज मार्बल कैंसर एसिड रि करूड कर देता है मार्बल को विच वन एयर पल्यूटन कंबाइंड विदमोग्लोबिन ऑफ हूमन एंड इट रिड्यूस द एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन और कार्बन मोनोक्साइड द प्रेजेंस ऑफ पल्यूटेंट्स इन द इनवायरमेंट इज जनरली एक्सप्रेस इन पीपीएम क्या होता है पार्ट पर मिलियन और एसपीएम क्या होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर

What is ensured by the use of chloramine in water treatment plant? Removal of permanent hardness. Iron and manganese present as pollutants in water cannot be removed by chlorination. Which is the treatment of water pollution? Reverse osmosis. Noise above which level of noise causes ear pain and damage? About 130 decibels. What is not the effect of noise pollution? Ozone depletion. Which is not an effect of noise pollution? Skin disease. Persistent organic pollutants are mostly transported by air and water. Dash waste consists of an organic waste, vegetable peels, which is not an environmentally friendly way of producing electricity, thermal power. What is the cause of biomagnification? Organochlorine. Which problem is not environmental? Aforestation. Chernobyl catastrophe is a result of radioactive waste pollution. Which solid waste is known as sludge. Which what is one of the most sensitive to environmental change? Amphibians. Which language is used to standard zoological nomenclature, Latin.

Who has maximum number of legs? Millipede. Crabs come under arthropoda species. From where do male mosquitoes take food? Plant juice. Um, these are saguivores, mosquito. On which the silkworm thrives, they are mulberry leaves. How is silk produced? From pupa. Rearing of silkworm is called sericulture. Cockroach cannot survive in water because trachea is its respiratory organ, which has open vascular system cockroach. Which animal belongs to mollusk family? Snail. Which animal belongs to mollusca? Heliotis. Octopus is parenchyma. What is the color of blood of octopus? Blue. Which is vertebrate animal? Kiwi. In which homodont teeth are found? Fish. Which is the most poisonous fish? Puffer fish. The insectivorous fish used for the control of mosquitoes? Gambusia. Why can't fish survive in distilled water? Osmosis dilute kar dega na fluids. Ko. Amphibia are animals that can live both on land and water. Which animal breathes through its skin? Frog. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच कैमिलियन गिरगिट किससे रंग बदलता है क्रोमोफोर की वजह से एलिपीडियन नाजाक इसका साइंटिफिक नाम है कोबरा का द ओनली स्नेक दैट बिल्ड इट नेक्स्ट अपना घोसला बनाता है किंग कोबरा डायनासोर्स वर मिज्यूक रेपटाइल्स

which one animal is a mammal platypus which organism lays eggs and apparently does not give birth to children echidna which mammalian animal lays eggs platypus what is an egg mammal monotreme which is the egg laying mammal spiny anteater largest mammal blue whale fixed temperature animals blue whale animals birth to the biggest child blue whale fastest land animal tiger what which is the fixed temperature animal bat dolphins are mammals नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया गैंजेटिक डॉल्फिन मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ डॉल्फिन क्लोन्ड एनिमल क्या था इट वाज शीप और साइबेरियन एबेक्स क्या है बिग एंड हैवी गोट्स विच वन इज द बिगेस्ट मंकी गोरेला स्मॉलेस्ट ह्यूमन लाइक ओप एप गिबिन विच ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपीएल कैंग्रू वट इज द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूम होमोसेपियंस लार्ज ब्रेन होमेनाइड है ना अर्लिएस्ट होमेनाइड क्रोमैगन ये सवाल आया था विच पार्ट इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्किन एपीडर्मि विच इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इन द ह्यूमन बॉडी आउटर स्किन tissue that connects muscle to the bone tendon blood is a connective tissue which is not a connective tissue skeletal muscle lymph vascular tissue present hai. where does blood formation take place bone marrow mein. how much blood is there in a normal adult person 5 to 6 liters what is the approximate ph of human blood 7.4 normal hemoglobin content per 1000 ml of blood 14.5 gram plasma which is a component of blood is a fluid percentage of water in plasma 90 percent Iron, which is not present in blood plasma, copper. In which part of our body red blood cells are made? Bone marrow. What is the lifespan of uh, human red blood cells? 120 days. What is the uh, graveyard of RBCs? Spleen. How many types of WBCs are there? Five. What is the main purpose of white blood cells to fight infection? White blood cells in blood protect body against infection main function of wbc bear immunity main function of wbc protect body against diseases how are antibodies made from lymphocytes color of blood is red because of hemoglobin which metal is present in hemoglobin iron function of hemoglobin is transporting oxygen um, what is the correct uh, with respect to blood platelets they are called thrombocytes by what a fibrinogen is converted to fibrin thrombin neutrophils एंड लिम्फोसाइड्स ओरिजिनेट फ्राम बोनमेरोस रिलीज डैश प्रोथ्रॉम्बिन जिससे क्लॉटिंग होती है एंटी कोअगलेट सब्सटेंस क्या हैपैरिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द थिंग ब्लड डज नॉट कोट इन साइडीपेरिन की वजह से ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड आर टू टू सेवन एंड थ्री टू टेन डिस्कवर लैंड स्टीनर एबीओ लैंड स्टीनर और आर एस कहां से मिला था आर एच फैक्टर मंकी से दर्सन ऑफ एबी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपियंट बिकॉज एंटीबॉडीज नहीं है है ना और ए बी ब्लड ग्रुप जो है एंटीबॉडीज नहीं लास्ट करती हैं ए बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट टेक ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप इफ ब्लड ग्रुप ऑफ मैन इज ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ वुमन इज बी तो बच्चों में कौन सा होगा हो सकता है नहीं हो सकता बिल्कुल भी ओ नहीं हो सकता इफ फादर ब्लड ग्रुप इज ए बी मम्मी का ओ है तो कौन सा हो सकता है बेटे का ओ हो सकता है इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली तो कौन सा ग्रुप नहीं पॉसिबल है बी नहीं पॉसिबल है इफ ब्लड ग्रुप ऑफ बोथ दी देन पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विल बी ए बी एंड ए बी एंड ए बी ठीक है पेरेंट्स इज ए बी एंड ऑफ द अदर इज ओ देन पॉसिबल इज ए और बी पर्सन विद टाइप बी ब्लड कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन विद टाइप बी ब्लड इन एन एमरजेंसी ए बी और ए बी ए बी or B. A person with blood group O can receive blood from persons of O only. यूनिवर्सल डोनर कौन सा है ओ एक्सेप्टर कौन सा है ए बी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ग्लूकोज वर द टू नोन सोर्स ऑफ फूड प्रोटीन इन अब सोयाबीन एंड पीनट्स मोस्ट प्रोटीन इन इज फाउंड इन सोयाबीन्स व बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन ग्राउंड नट मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क कैसियन व्हाइट कलर दूध का किस लिए होता है कैसीन की वजह से और येलो कलर गाय के दूध का क्यों होता है हल्का सा कैरोटीन की वजह से अ पर्सन टेक्स अ डाइट ऑफ राइस एंड वेजिटेबल पोटैटोस तो कौन सा नहीं मिलेगा उसको न्यूट्रिएंट प्रोटीन और फैट्स तो मिली नहीं कार्बोहाइड्रेट खा रहा है विच ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड हेल्पर फूड फैक्टर विटामिन फैट सॉलेबल विटामिन कैल्सिफेरॉल कैरोटीन और टोकोफेरॉल नॉट फैट सॉलेबल बी और सी वॉटर सॉलेबल बी और सी ए को क्या कहते हैं सोर्स ऑफ विटामिन ए कैरेट रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन मैंगो विटामिन गोल्डन राइस में विटामिन ए काफी मिलेगा आपको विच विटामिन इम्यूनिटी ए विच डिजीज इज कॉज बाइ डेफिशंसी ऑफ विटामिन आउटब्रेक ऑफ जेरोनिच विटामिन ए अनदर नेम ऑफ विटामिन बी टू प्राइबोफ्लेविन विच विटामिनट्रोजन विटामिन बी

कोली कैल्सिफिरोल इज कॉमन नेम ऑफ केमिकल्पाउंडी विच विटामिन की होता है डी के इफ ए पर्सन सफरिंग इन विटामिन डी विटामिन डी इज मैक्सिम इन लिवर ऑयल कार्ड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन विच विटामिन डी विच इज सच अ विटामिन दैट मैन कंज्यूम्ड इन एक्सेसिव अमाउंट दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड कॉज फिटल इफेक्ट्स ए एंडी दटामिनल इज इ which is a good source of vitamin e fresh vegetables what is the important source of vitamin e wheat germ oil vitamin k has special role in synthesis of prothrombin which one of the vitamins is involved in the clotting of blood alpha alpha is a good source of vitamin k k which compound is not a vitamin thyroxin what causes koshioka disease carbohydrate or fat achha hai, lekin protein mil hai. Which, wo, which are needed for both and teeth, uh, bone and teeth formation calcium and phosphorus which vitamin is easily destroyed by heat ascorbic acid Main use of salt in diet produce small amounts of hydrochloric acid needed for digestion of food. Which disease is caused due to deficiency of iodine? Goiter. Goiter is caused by deficiency of iodine. Anemia is caused by what? RBC deficiency. Which disease is caused due to iron deficiency? Anemia. Iron deficiency is a disease caused by inhaling what? Iron dust. Why are pregnant women advised to include adequate amounts of green leafy vegetables in their diet, especially in the first trimester? They are rich source of folic acid. Which food is the best source of iron? Apple.

The contraction and expansion of the walls of food pipe is called peristalsis in which is food usually digested small intestine what is sigmoid colon a part of large intestine duodenum is a part of small intestine enzyme is a protein enzyme is a biocatalyst also which of the following are in a series of enzymes amino acids which one is not an digestive enzyme in the human body gastrin saliva helps in digestion of what starch bile juice is produced in which part of the body liver bile accumulates gallbladder the fat digesting enzyme lipase is secreted by pancreas hydrolysis of uh fat by lipase gives fatty acids and glycerol x acid is produced in the human body what is it hydrochloric acid which is not secreted by the stomach sulfuric acid this acidic semi digested food coming out of the stomach is neutralized by bile juice which is the major end product of carbohydrate digestion glucose when hungry a person first uses his glycogen which enzyme is involved in the digestion of proteins inside the stomach pepsin lungs are the primary organs of respiration where does oxygenated blood from the lungs come left atrium वॉट इज रिलीज इन ह्यूमन रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूम सिस्टम यूट्रस, विच ऑर्गन परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इन इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर स्वेट ग्लैंड स्किन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज रिलेटेड टू प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड किडनीज फंशन यूनिट क्या है किडनी की नेफ्रॉन अमोनिया यूरिया में कौन बदलता है लीवर यूरिया कहाँ मैन्युफैक्चर होता है लीवर में हाईस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरियान में विच सबस्टेंस इज फाउंड इन नॉर्मल यूरन क्रेटेनाइन येलो कलर यूरिन का यूकोक्रोम की वजह से है दो बार आ गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट कलर ऑफ ह्यूमन फेकिस इज येलो यूरो वेलिन दोनों याद रखना स्वेटिंग कूल्स द बॉडी बिकॉज लेट एंड हीट इज रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन विच सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ द लीड रिजनरेटिव पावर ब्रेन सेल्स हाउ मच ड ह्यूमन ब्रेन वेट टू परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट Which part of human brain is the center of smell intelligence memory and emotions cerebrum which part of human brain is the center of hunger thirst and sleep hypothalamus what regulates body temperature hypothalamus in which part of the brain is motor skills related frontal part which part of the brain plays an important role in motor control cerebellum what is related to the decoding and interpretation of visual information in the brain? Inferior temporal lobes. What? Where is the control center of reflex action located? Spinal cord. What is the background of balance? Cerebellar balance. The brain is responsible to think to control heart rate to balance the body. Respiration is controlled by which part? Medulla oblongata. The number of chambers in human heart? Kitne hai? Four. Average heart rate? Kitna hai? 72. What is the pulse? Why, why it is checked? Check the functioning of heart. What increases the speed of heartbeat? Sympathetic nerve. In the human wrist, the pulse pulses at the same rate at the heart. Who is a scientist who explained blood circulation? Uh, William Harvey. The work of pacemaker to initiate heartbeat. What causes heart attack? Lack of blood supply to the heart. Which is the largest artery in the human body? Iota. Arteries carry blood which is filled with oxygen. Which impure? ब्लड सर्कुलेट्स पल्मोनरी आर्टरी विच ब्लड वेसल्स क्लीन कैरी क्लीन ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट पल्मोनरी वेन ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्प्लीन वाई इज द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स इन द ब्लड स्ट्रीम डेंजरस फॉर लाइफ ऑब्सट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस द प्रेशर एक्सटेड बाई ब्लड ऑन हूज वॉल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर आर्टरीज आटरीज अ पर्सन गेट्स ओल्ड नॉर्मली द ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा इसका डिक्रीज नहीं होता है बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर ठीक है ये देख लेना

33 bones. What is the number of teeth that can be reestablished in humans? 20. The longest bone in the human body is femur. Longest and strongest femur. step stepis. Bone of the legs in the human body are fibula and tibia. How are two bones connected together in the human body? From ligaments. Vertebrae are part of what in human body? Spinal cord. Which is not an axial bone? Shoulder. How many muscles are there in a the body? 639. Uh, where are involuntary muscles located? Heart. How many muscles are used to control the eyeball? 6. In which one of the parts of human body does the sperm fertilize the egg fallopian tubes. In the process of artificial insemination, which is inserted in the uterus of women, only sperm. Which situation correct represently uh, the phenomenon of test tube baby? Fertilization is external and development is internal. Aminocentiosis is a method which tells the sex of the fetus. Which organ is not a gland? Gallbladder. Which is the largest gland in the human body? Liver spelling correct largest endocrine gland in the human body thyroid smallest endocrine gland pituitary where is the place of thyroid gland throat what is the function of thyroid control of metabolism which hormone is not secreted by the thyroid gland thymosin what is called master gland pituitary where is pituitary gland located in the base of the brain which hormone is not secreted by pituitary gland somatostatin growth hormone is produced by pituitary gland

ए क्या है एंटी डायरेटिक हॉर्मोन वैसोप्रेसिन प्रोस्टेट इज ग्लैंड वॉट इज द लैक्रेमल ग्लैंड लोकेटेड और बाइटल पार्ट ऑफ लैक्रेमल ग्लैंड वेयर इज न्योबिन ग्लैंड लोकेटेड आई स्वेट ग्लैंड आर बेसिकली रिलेटेड टू टेम्परेचर रेगुलेशन फीमेल हॉर्मोन एस्ट्रोजन है मेमोरी ग्लैंड में से मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रिट होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है द द्यूमन न्यूबॉर्न इज फेड The first secretion from mammary gland, which is called colostrum. It provides immunity, which is the largest organ in humans' skin. Against what does the fat under the surface of the skin acts as a carrier in our body? Body heat loss. from appendix is vestigial organ. Energy is needed to maintain life by which one process energy is obtained, metabolism. Which biotransformation provides maximum energy to the human body, ADP, ATP. What is the study of genetics, heredity, and variance? By whom the science of heredity was called genetics? W. Watson. Who is considered the father of modern genetics? Gregor Mendel. Who proposed the laws of heredity? Gregor Mendel. And uh, what constitutes a gene? Polynucleotides. Name the person associated with coining the word gene, Jonathan. Gene is a पार्ट ऑफ डीएनए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमेन सिम्टम्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस विल अराइज इन सन्स ऑफ डॉटर्स मतलब बेटी के बच्चों में उनकी उसके नाती में sequence based with change within a genus mutation which is, what, which is the idea that new species have evolved due to sudden and unexpected changes mutation theory of mutation was proposed by hugo de vries the basis of dna fingerprinting dna polymorphism which technique is used by forensic department to identify the criminal dna fingerprinting dna fingerprinting technique is used for the detection of disputed parentage what is a pair of opposing characteristics that control similar characteristics called allele who first explained biological evolution? Lamarck. In the context of biological evolution, loss of limbs in snakes is explained due to use and disuse of organs. By whom was the theory of evolution proposed? Charles Darwin what is the process of creating a better adapted environment for living and more procreation by organisms natural selection in which book did the famous evolutionist charles darwin propound his theory origin of species who propounded the theory survival of the fittest darwin if a human disease spread over a large area then it is called epidemic what is an organism that transmits disease from one person to another called vector by what name is white plague commonly called tuberculosis disease what is bcg vaccination for tb dots done tb DPT may Pertussis. What type of vaccine is there in DPT vaccine? A combined vaccine. Leprosy bacillus was discovered by H. Armor Hansen. Leprosy is also known as Hansen disease. AIDS is caused by virus. The cause of AIDS in humano deficiency viruses is transmission of contaminated blood and products. AIDS virus affects the growth of hemoglobin. How does the HIV virus weaken a person's immunity by destroying lymphocytes? The most tried medicine for AIDS is uh, zidovudine. वेस्टर्न ब्लॉड इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एच आईवी इन पोलियोज दो हजार बारह में ब्रेकबोन फीवर को क्या कहते हैं डेंगू और डेंगू फीवर जो है ब्रेकबोन फीचर कहते हैं उसको वॉट इज डेफिशियंट इन द्यूमन बॉडी इन डेंगू फीवर प्लेटलेट्स येलो फीवर कैसे होता है फीमेल मस्कूटो बाइट से जॉइस इज कॉज बाई हु इन द ब्लड ऑफ बिलरोन तो इसके साथ हमारे इम्पोर्टेंट वेल खत्म हो गए हैं अब आप लोगों को ये चीज रिवाइज करनी है अच्छे से और अपना एग्जाम अच्छे से दे के आना है ठीक है तो रिवाइज करते रहिए अच्छे से सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी गई हैं ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू अच्छे से पेपर दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच